अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो जी, मैं आ गई हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। और हमने ये जो हमारे जो दूसरे चिड़ियाँ हैं ना, इनको हम लाइक धूप में रखते हैं बिकॉज ये ताकि बाहर का इन्वायरमेंट दिख सकें और खुश हो सके। तो देखिए कितने खुश हैं। हेलो, पर्दा गिर रहा है बार बार। चले नाश्ता बनाते हैं और कुछ खाते हैं, लेट्स गो। तो जी, आज नाश्ते में मैं सोचती हूँ कुछ नया बनाऊं। और मैंने रात में काफ़ी रेसिपीज देखी थी और मैंने कहा था कि आज मैं ट्राई करूँगी। मैं बना रही हूँ डोसा। अगर किसी ने नहीं खाया तो आज आपके लिए मैं रेसिपी लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि अच्छी बनेगी, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। खैर, वैसे डोसा जो बेसिकली बनता है वो उड़द दाल का बनता है या तो चावल का बनता है, आई डोंट नो, चावल का बनता है। जो कच्चे चावल होते हैं ना उसको यानी भिगो के फिर बनता है, लेकिन मैं यहाँ चावल यूज़ कर रही हूँ। पके हुए भी मेरे पास रखे हुए थे, मैंने पके हुए चावलों का भी देखा, वो भी बहुत अच्छा बनता है। और सूजी हम लिए हैं और साथ में नमक है और बस, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसकी ना काफ़ी स्टाइल की चटनियाँ होती हैं, चटनियाँ तो मैं बना नहीं सकती और इतना टाइम भी नहीं है, बहुत भूख लगी है। तो मैंने क्या सोचा है, मैं उबाल रही हूँ आलू उबाल रही हूँ। ये आलू उबल रहे हैं क्योंकि आलू का मैं भरता बनाऊंगी और डोसा आलू के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो पहले मैं क्या करूँगी, इन दोनों चीज़ों को पानी के साथ डाल के ब्लेंडर में अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी एंड देन बाकी प्रोसेस आप लोग को दिखाऊँगी। जी, मैंने डोसा पहले बनाया है, एक दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन मैंने ना लेफ्ट ओवर चावलों के साथ नहीं बनाया, मैंने बनाया था आटे के साथ और वो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बना था। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ लेफ्ट ओवर चावलों के साथ। तो देखते हैं आज कैसा बनता है। मुझे डोसा बहुत पसंद है और चीज़ें थी घर में तो मैंने कहा आज बना लेते हैं। तो अभी हमने इसका बैटर जो है वो पीस लिया है। अब इसको हम ना थोड़ा पानी डाल के, मतलब इसको, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ठीक है, इसमें थोड़ा पानी डाल, तो इसी जग में पानी डाल देंगे क्योंकि बहुत सारा इसमें है और मुझे लगता है पानी मैंने बहुत सारा डाल दिया, लेकिन सारा पानी नहीं डालेंगे, लेकिन कितना ज़रूरत पड़ती है इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने प्रिपेयर कर लिया। तो ये आलू ने देखा कि हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे कुछ, और उनने ही लाइक मतलब तो कुछ दिन हमारे घर में रुके थे और उनने मेहनत लगाई थी और बहुत प्यारी मेहनत लगाती हैं वो, मैं आपको दिखाऊंगी उनके और मेहनत। तो ठीक है, इसमें अब हम डाल देंगे पानी थोड़ा और पानी डालेंगे बस। हमें ना इसको थोड़ा पतला बैटर करना है, ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना। बस और पानी नहीं डालेंगे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो थोड़ी फूल जाए और फिर हम देखेंगे इसमें और फिर पानी मिलेगा या नहीं। तो इसको अभी साइड पे रखेंगे, फेंकेंगे नहीं पानी को। हम 15 मिनट जब तक वेट कर रहे हैं, सारा पानी पी लेते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। सुबह के टाइम जितना पानी पी सके उतना अच्छा रहता है। और ये थोड़ा ठंडा हो रहा है तो ठंडा पानी ना पिए, थोड़ा नरम पिए, आई मीन गर्म पिए। हमारे मेहमान आए हुए थे, एक्चुअली वो रियाज में रहते थे पहले और वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए हैं, और उनने हमें एक इतना खूबसूरत सा गिफ्ट ये बना के दिया है। ये लाइक बहुत प्यारा खूबसूरत लग रहा है ये, और ये 3D स्टाइल का है, देखें माशाल्लाह। और दूसरा ये कि वो पहले यहीं पर जिद्दा में रहते, लाइक रियाज में रहते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये उनने ख़ुद बनाया है अपने हाथों से, और इतना प्यारा लग रहा था मुझे। एक ये इनने गिफ्ट दिया है, लाइक काफ़ी मतलब छोटा सा है पर बहुत खूबसूरत है, 3D स्टाइल का। और एक और है, ये सबसे बड़ा वाला है और ये इतना प्यारा लग रहा है ना, खूबसूरत। और ये देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा सा लग रहा है। ये थोड़ा बड़ा है, यानी काफ़ी बड़ा है, और इनने ना हमारे इंटरेस्ट डोर पे ही लगा दिया, लेकिन ये हमारा इंटरेस्ट है और यहाँ पे उनने लगाया है, उनने ख़ुद लगाया। उनने कहा कि बहुत प्यारा लगेगा जब भी लाइक इंटर हो तो बहुत प्यारा, पहले उन्होंने सोचा था वो यहाँ लगाएंगे, लेकिन क्या कहते हैं, हमने कहा नहीं यहाँ अच्छा लगेगा क्योंकि वो एक पूरा बना हुआ है और ये बिल्कुल लाइक सामने दरवाज़ा खुलते ही दिखेगा, तो बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। हमारे घर में कपड़े ढूंढे थे इसलिए रस्सियाँ वस्सियाँ बनी हुई हैं। अभी मैं सब सफाई वफाई करूँगी नाश्ते के बाद, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। बहुत खूबसूरत और प्यारा सा गिफ्ट है। तो जी, मेरे जो आलू हैं वो अच्छे से लाइक बॉईल हो चुके हैं, तो मैं इसको थोड़ा मैश कर लूँगी।
ताकि इसका फिर मैं भरता जो बनाऊँगी वो बनाऊँगी। इसके मैं आलू का जो ये है, आलू का जो उबले हुए हैं उसको मैं लाइक तड़का लगाऊँगी, तो उसके लिए पहले मैं इसको अच्छे से मैश कर लेता हूँ। आप कोई बॉल में करके मैश कीजिएगा करने के लिए, इसी में फिर तड़का लगेगा आलू का, वो बहुत ईजी है। उसमें हमें चाहिए तेल, ये मैंने पतीला गर्म कर लिया है तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पर बैठ के दिखा रही हूँ कि वहाँ लाइटनिंग नहीं जाएगी सही से। देन इसमें जाएगा कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एंड देन इसमें जाएगी रायदाना, थोड़ा सा रायदाना, एंड हल्दी, हल्दी जाएगी थोड़ी सी जाएगी, ज़्यादा नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नमक, नमक मैं अभी नहीं डालूंगी, पहले आलू थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूंगी लाइक आँख पे, थोड़ा जब फ्राई होने लगेगा फिर मैं इसमें आलू डालूंगी, आलू के बाद फिर नमक डालूंगी ताकि फिर उसका हिसाब सही रहे। तो इसको पहले फ्राई करते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है कि जैसे आपको ने देखा कि सारे मैंने मसाले पहले जो भी तड़का था वो तेल में डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा उसको भूनने के बाद हमने आलू डाला, आलू डालने के बाद मैंने थोड़ा पानी इसलिए डाला कि ताकि जो आलू है वो थोड़ा सा यानी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए। और दूसरा हम उसको तब तक लाइक भूनेंगे जब तक ये जो जितना भी आलू वो आपस में ऐसे चिपकने लग जाए, अगर ये आपस में ऐसे चिपकने लग जाए और पतीले का लाइक ऐसे छोड़ने लग जाए ना तो इसमें ये रेडी है, चूल्हा बंद करें। और ये ऐसी लाइक ये ऐसा बैटर है जो आप सैंडविच में भी लगा के खा सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं, और अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद है जिसके मुझे बहुत पसंद है आलू, तो इसका आप सैंडविच बना कर रख सकते हैं लाइक बना सकते हैं। बस उसमें आप वेजिटेबल ऐड कर दें, सबसे अच्छी कैप्सिकम रहती है। तो ये हमारा जो आलू का भट्टा है वो रेडी हो गया, अब हम डोसे की। तो ये बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल देंगे इसमें ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से घुल जाए, ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि हमारा वो है ख़राब ना हो जाए, बस मैं थोड़ा सा डालूँगी। अच्छा मसला क्या है, मेरा जो डोसा है उसका बैटर अच्छा बन जाता है, सब चीज़ें अच्छी बन जाती है, मसला कहाँ आता है इसको पकाने का, इसका तवा, इसका जो तवा है उस पर बहुत चिपकता है मेरा, यानी मतलब मुझसे होता नहीं है वो सही से, कभी टूट जाता है, कभी ख़राब हो जाता है, कभी ओवर कुक हो जाता है, कभी जल जाता है। तो इसको आज हम फिर से ट्राई करेंगे इंशाल्लाह कि आज कुछ इज्जत रख ले, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ये बिल्कुल सही है सी कंसिस्टेंसी। अब इसका जो हमारे पास तवा है नॉर्मल तवा, जैसे मेरे पास है ये तवा, से ये तवा है, तो अब इस तवे को अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे, गर्म होना चाहिए सही से, उसके बाद ही हम इसका बैटर ऐड करेंगे। तो इसका चूल्हा ऑन करके, उम्मीद तो है कि अच्छा सा बन जाए, लेकिन अल्लाह मालिक है कि कैसा बनता है, अल्लाह ही मालिक है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और तेल निकाल लेते हैं, तो तेल डालेंगे इसमें, अभी तेल नहीं डालना, अभी तेल नहीं डालना, तेल अब फिंगर क्रॉस कर देना कि हमारा तेल तवा है वो अच्छे से गर्म हो गया है और मुझे बहुत डर लगता है। पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे चेक करने के लिए, परफेक्टली गर्म है, अब तो हम साफ़ कर लेंगे किसी कपड़े से, पहले कपड़ा लें टैक टू, फिर से वापस पानी डालेंगे हम तो साफ़ करेंगे। ठीक है, तेल डालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, अब हम अपना बैटर डालेंगे। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, तो डल गया है, थोड़ा सा अजीब सी शक्ल बनी है, कोई बात नहीं हमें खाना ही है तोड़ तोड़ के, तो इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, जब ये थोड़ा सा साइड से ब्राउन होने लगेगा ना तब मैं इसको टर्न कर लूँगी। अब अगर देखें देखें बीच बीच से थोड़ा सा ये ब्राउन हो गया, अब मैं इसको टर्न अराउंड कर दूँगी, मेरी अब ठीक हो गया होगा समथिंग, क्योंकि ये ज़बरदस्त डोसा हमारा रेडी हो गया है मेरे स्टाइल का। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और अब दूसरा डालते हैं, उसके लिए भी हमें सेम प्रोसेस करना है, थोड़ा सा पानी, थोड़ा
अभी तेल नहीं डाल रही, लेट्स सी व्हाट हैपन। हम तेल डाल के निकल रहे ना, सबसे मसला ये रहता है कि ऐसे घुमा घुमा के ना वो टूट जाता है, तो इसलिए मुझे डर लगता है। खैर अब वो हो गया है तो और घुमा लेते हैं। यार हर चीज़ बनाना ना लाइक इतना ईजी नहीं रहता, हर किसी का अपना प्रोजेक्ट नहीं होता, लेकिन हर चीज़ ट्राई करना भी बहुत अच्छी बात होती है, पकाना खाना अच्छी चीज़ है। अब इसको फिर वेट करेंगे ताकि थोड़ा ब्राउन हो, जब ब्राउन होने लगेगा तब मैं इसके साइडों पर तेल डालती हूँ। तो जी मसाले से बहुत टेस्टी और मज़ेदार से बन रहे हैं, और आज इसने इज्जत रख ली चिपके नहीं, और देखिए कितने अच्छे और ज़बरदस्त बन रहे हैं। और ये थोड़े से ना लाइक नरम टाइप के हैं, थोड़े क्रिस्पी हैं, थोड़े नरम हैं, बिकॉज इसमें जो चावल है वो मे बी पका हुआ डला था इस वजह से, लेकिन बहुत टेस्टी और मज़ेदार लग रहे हैं। अगर आपने कभी डोसा ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ये बनाएं और ट्राई करें, बहुत टेस्टी भी है। और दूसरा ये कि जो रियल डोसा होता है वो बिल्कुल कड़क मज़ेदार सा होता है। अभी रेडी हो गया और ये थोड़ा क्रिस्पी लाइक बिल्कुल कड़क कड़क टाइप का बनाया है, और अब हम खाएँगे इन्जॉय करेंगे। साथ में मैंने बनाई चाय ग्रीन टी, फिर दूध नहीं है तो इसलिए मैं चाय नहीं बना सकती, ग्रीन टी पियेंगे, ये खाएंगे एंड देन सफाई करेंगे, खा लेते हैं मज़ेदार से। तो जी अब हमने तो खा लिया, अब अलाया खा रही, और अलाया को बहुत टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है। अलाया को आलू पसंद है, आलू तो ये अलाया को खिला के फिर मैं घर की सफाई करना स्टार्ट करूँगी, और यहाँ मम्मा कपड़े तय करिए, फिर मुझे ये भी उठा के रखना है सारे। ये कितना प्यारा माशाल्लाह बड़ा सा हो गया है, क्यूट सा हो गया, और इतना प्यारा है ना, इसे जो पालती है ना वो चिंचिन पालती है, और चिंचिन इतनी पागल होती है इसके लिए कि बस मुझे दे दो। और जब ये एक दफ़ा इसके पास नहीं, अभी नहीं खोलना, एक दफ़ा इसके पास चला जाए ना ये बच्चा, तो ये किसी को हाथ नहीं लाने देती। दो तीन दफ़ा काट चुकी है सिर्फ इसलिए कि हम इसको निकालते हैं, और ये ना सिरिंज से खाना खाता है तो इस वजह से हमें निकालना पड़ता है इसको। देख अब बाकी ना खटेगी, डर ही लगा रहता है कि काट ना दे चिंचिन। अब इसको हम रख देंगे ऊपर, हमने यहाँ ये पिंजरा रख दिया एक, और ये रही चिंचिन। कैसे गुस्सा कर चिंचिन, दरवाजा ही बंद करने दे। काफ़ी ना लाइक उसको रहता है कि कोई काम हो या कुछ करवाना हो ना मैं बहुत ज़्यादा करूँ, तो ये पानी की बोतलें रखी हुई थी, मैंने इसको कहा चल पानी भर, तो पानी भर रही है। तो फिर मैं इससे कहती है कि आप ना मुझे कार्टून लगा दो, तो मैंने कहा पहले पानी भरो। हाँ जल्दी, ये तो फुल नहीं हुआ, फुल करो, फुल पीना पागल लड़की, ठीक है जल्दी भरो, बस ये जल्दी से भरोगे फिर मैं माशा बेर लगा दूँगी आपको, ले पी रही है ये पानी भर रही है। तो ये पानी वानी भरेंगे अभी, मैं काम वाम करके पी। तो जी काम वाम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा कर लिया, और ना रो के मैं बैठ गई हूँ, भाई दूध लिया है तो मैंने चाय बनाई, और साथ में मुझे बहुत भूख लग रही थी तो ये घर में रोटी पड़ी थी, तो मैंने कहा मैं इसको आँख पे गरम करती हूँ। और साथ में मैंने कल हलीम बनाया था बहुत टेस्टी सा, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँ। ये मैंने कल हलीम बनाया था और इतना टेस्टी और मज़ेदार बना था, मेरी बहनें ट्यूशन गई हुई थी और वो आई तो उनको लग रहा था कि ये बाज़ार से आया हुआ है, और वो कह रही थी तो कौन लाया बाज़ार से, कौन लाया बाज़ार से। जब मैंने बताया कि मैंने बनाया है तो वो बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि सबको बहुत पसंद आया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया हलीम। चीज़ें तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन हलीम और ऐसी चीज़ें लाइक मैं थोड़ा सा डरती हूँ बनाने में, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि चलो बना के ट्राई करते हैं। तो ये हलीम है, पर चाय हमारे रेडी है, अब हम खाएंगे इंजॉय करेंगे। मैं पहनू
उनको खाना देने जा रही हूँ, बेचारी सुबह से ही ट्यूशन में पढ़ रही हैं, खाना हमने बीच में बचा लिया, अब उनको वापस भूख लग रही है। एंड हम किसी के घर भी जा रहे हैं, मैं और मम्मी और एक मेरी बहन आ गई है पढ़ के, तो अभी इनको खाना देंगे और फिर हम लोग जाएंगे उनके घर। तो जी देखिए कितने सारे एरिया सब टूट गए हैं। एक्चुअली जिनके घर जा रहे थे वो घर पे नहीं थे, तो हम लोग फिर घूमने निकल गए, तो हम देख रहे थे कि कितने एरिया लाइक जगह के तोड़ दिए हैं बिल्कुल, और ये भी एरिया है जो टूटा हुआ है काफ़ी, यानी एरिया तोड़ रहे हैं और उनको रेनोवेट कर रहे हैं बिल्कुल तोड़ कर। लेट्स सी आगे क्या बनता है। तो जी हम घर आ गए थे और वापस जा रहे हैं, क्योंकि भाई ने कहा कि मॉनिटर लेके आना लाजिम है, क्योंकि वो टीवी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा पीसी को। तो अब मॉनिटर लेने जा रहे हैं हम, और देखते हैं कि भाई आज कौन सा मॉनिटर लेता है अपनी पीसी के लिए।